सेंट्रो, तो वो गड्ढे में अनबैलेंस हो गए, सीधी हमारी गाड़ी से टकराई। उसके बाद में वहाँ हम जैसे निकले गाड़ी से, उसके पीछे बलोरो लग रही थी, वो बलोरो वालों ने वहाँ से निकाला उनको। निकालने के बाद में उसमें गाह भरी हुई थी, हमने देखी जब। दोस्तों, मेवात इलाके के हुसैनपुर गांव के रहने वाले वारिस नाम के नौजवान युवक की जान जाने से पूरे मेवात इलाके में शोक की लहर है। तो वहीं अब वारिस की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वारिस की मां रोती बिलखती चीखती चिल्लाती नजर आती है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी माँ का नौजवान बेटा इस दुनिया को अलविदा कह जाए तो उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगी। आइए एक नजर डालते हैं इस वीडियो पर। वारिस की माँ का ये वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से वारिस की माँ फूट फूट कर रोती हुई नजर आती है। हालांकि वारिस का जब निधन हुआ तो उसके बाद में वारिस के परिवार के लोगों का कहना है कि गोरक्षा दल के सदस्यों ने पीट पीट कर वारिस की जान ली है। तो वहीं नुह एसपी वरुण श्रृंगला का साफ तौर पर कहना है कि वारिस की हत्या नहीं बल्कि सड़क हादसे में उसकी जान गई है। हालांकि सेंट्रो गाड़ी में सवार वारिस का वीडियो गोरक्षा दल के सदस्यों ने बनाया। गोरक्षा दल के सदस्यों ने लाइव आकर दिखाया कि सेंट्रो गाड़ी एक टेम्पो से टकरा चुकी है, जिसके बाद सेंट्रो गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस दौरान सेंट्रो गाड़ी में एक गाय भी बरामद की जाती है, वो गोरक्षा दल के सदस्य उस गाय को निकाल करके बाहर ले जाते हैं। वहीं इसके बाद में ये वीडियो समाप्त हो जाता है और कुछ घंटे बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया जाता है। इसके बाद खबर मिलती है कि वारिस की मौत हो गई है। उसके बाद जब इलाके के लोगों को पता लगा कि वारिस अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो वहीं परिवार के लोगों ने कहा कि गोरक्षा दल के सदस्यों ने पीट पीट कर वारिस की हत्या की है। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को लेकर के ज्यादा पुलिस बल को तैनात कर दिया नल्लड़ हॉस्पिटल में। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब जो टेम्पो चालक था उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खैर, क्या कुछ कहता है टेम्पो चालक, आइए आपको सुनवाते हैं। नाम रहीस है। हम अपने घर से सब्जी लेके जा रहे थे भिवाड़ी मंडी के लिए, तो सामने से खोरी में जब हम पहुंचे, सामने से गाड़ी आ रही थी सेंट्रो, तो वो गड्ढे में अनबैलेंस हो गए, सीधी हमारी गाड़ी से टकराई। उसके बाद में वहाँ हम जैसे निकले गाड़ी से, उसके पीछे बलोरो लग रही थी, वो बलोरो वालों ने वहाँ से निकाला उनको। निकालने के बाद में उसमें गाह भरी हुई थी, हमने देखी जब। उसके बाद पुलिस को हमने कॉल किया, कॉल करने के बाद में पुलिस वहाँ पर आई 15 से 20 मिनट के अंदर। आने के बाद में वहाँ वो आए थे, हमने देखा तो उन्होंने आकर वो ट्रैफिक एक साइड करके वो पुलिस चौकी गए। पुलिस चौकी से पुलिस लेके G5 वहाँ से आने के बाद वो वहाँ से ले गए उनको। इस दौरान जो बलोरो में लोग सवार थे, उन्होंने जो कार सवार थे उनके साथ कोई मारपीट की थी क्या? वो हमारे सामने कोई मारपीट नहीं की। उसके बाद में हम वहाँ तक रहे, तब वो वहाँ से ले गए, तब उसके बाद में हम अपनी गाड़ी को वहाँ से साइड में करके आप वहाँ पर कितनी देर रुके थे? वहाँ हम करीब, गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी 6:05 पहले की बात है, और उसके बाद में जब हम वहाँ से आए करीब 7:30 का टाइम हो रहा था जब हम वहाँ से आ गए। वहाँ पुलिस ले गई उनको हॉस्पिटल के लिए, तब हम आ गए। उनमें कितने लोग गंभीर थे, चोट कितने लोगों लगी थी? उसके अंदर 3 बंदे थे, और एक के जो स्टेयरिंग के अंदर भिज गया था, वहाँ से उन्होंने निकाला था, उसके पेट पकड़ा हुआ था, उसके कुछ दर्द था, वो कह रहा था मैं मरा। उसके बाद में उसको निकाला किन लोगों ने था? वह उन बलोरो वालों ने ही निकाला था जो वहाँ से पीछे लग रहे थे ना। आपके सामने बलेरो सवारों ने मारपीट करी थी क्या? नहीं, हमारे सामने कोई मारपीट नहीं।